थाना दुबग्गा पर प्रेम मौर्या नाम के हयात नगर निवासी एक व्यक्ति ने इस आशय की सूचना दिया कि बीती रात को जबकि वो अपने दुकान पर जो कि पान मसाला की गुमटी है उसमें सो रहा था, तो उसके दुकान से स्कूटी, बैटरा, 20,000 रुपया कैश, गल्ले का सामान, ये सारा चोरी हो गया। और 5 लोग आए और उसके जो है कान पे तमंचा लगा करके सामान ले गए। इस संबंध में थाना दुबग्गा पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और प्रत्येक बिंदु की गहनता से विवेचना की जाएगी। प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल पर पूछताछ की गई तो पता चला कि इनके बगल में ही विष्णु यादव जो कि जिसकी मंडई थी वो वहाँ पर सो रहा था। और विष्णु यादव के द्वारा बताया गया कि रात में काफ़ी शराब पिए थे लोग और उसके बाद 2 बजे के करीब विष्णु यादव को प्रेम मौर्या द्वारा सामान की चोरी होने की बात बताई गई। इसमें समस्त बिंदुओं की हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी घटना पूरी तरह से उसकी साक्ष्य नहीं मिले हैं क्योंकि और बगल में मूंगफली वाले भी सोए थे, वो भी जो है उससे पूछताछ किया गया, लेकिन कोई 5 लोगों के आने की और इस तरह की जो है तमंचे, इस तरह की घटना की साक्ष्य नहीं दी गई है। फिर भी हम लोग CCTV कैमरा और तमाम सारे जो है हम लोग सर्विलांस और हर चीज़ से जो है इसकी जाँच कर रहे हैं और अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।